गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 के विषय राजनीति विज्ञान के पहले अध्याय के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। इस पाठ का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो हम जानेंगे कि राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति और राजनीति सिद्धांत में क्या अंतर है, राजनीति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, राजनीति सिद्धांत शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति किसी भी समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और प्रत्येक राजनीतिक संगठन सामूहिक निर्णय किसी ढांचे के बगैर, इसके बिना कोई भी समाज नहीं जिंदा रह सकता। मतलब राजनीतिक संगठन सभी समाज के लिए मस्ट है, जरूरी है, इसके बिना कोई भी समाज जिंदा नहीं रह पाएगा, ऐसा मानना है। इन संस्थाओं के साथ साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, यह राजनीति में दर्शाने वाली मुख्य बातें हैं। मतलब हम राजनीति विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं कि सरकारों का निर्माण किस प्रकार होता है और वे सरकारें किस तरह से कार्य करती हैं, ये राजनीति में मुख्य बात है। राजनीति, जहाँ तक सामान्य शब्दों में राजनीति को सिर्फ सरकार के कार्यों तक ही सीमित रखा जाता है कि सरकार जो कार्य करती है वही राजनीति है, लेकिन ये राजनीति का संकुचित अर्थ है। राजनीति विज्ञान में हम राज्य, सरकार, अधिकार, कर्तव्य, समानता, न्याय, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसलिए राजनीति का जो संकुचित अर्थ सिर्फ सरकार के कार्य तक ने लेकर अन्य समाज की जो बहुत सारी अवधारणाएं हैं वो सभी हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं वो। राजनीति क्या है, राजनीति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी परिभाषाएँ दी हैं, सभी के अलग अलग मत हैं। इनमें से कुछ मुख्य जो मत हैं हम देख लेते हैं कौन कौन से मत हैं। सामान्य तौर पर राजनीति शासन करने की कला और राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है। मतलब कि जो शासन में जितने भी काम होते हैं वो और सरकार की क्रिया क्या क्या होती हैं, उनको ठीक तरीके से कैसे चलाया जाए, ये सभी चीज़ें राजनीति हैं। राजनीति प्रशासन संचालन के विवादों का हल प्रस्तुत करती है। मतलब कि शासन करते समय, शासन को चलाते समय जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनका जो हल है हमें राजनीति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। राजनीति भागीदारी करना सिखाती है, लेकिन आम व्यक्ति का सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। आज राजनीति का संबंध निजी स्वार्थ साधने से जुड़ गया है। और राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीति सिद्धांत में हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक जीवन, सरकार, संविधान, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद इत्यादि। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है। राजनीतिक सिद्धांतों जैसे कि स्वतंत्रता, समानता को व्यवहार में उतारना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा कहना तो आसान है कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, लेकिन समाज में हमें देखने को मिलती है कि किसी न किसी रूप में असमानता हमें देखने को मिलती है, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे प्राचीन समाज हो, चाहे वर्तमान समाज हो, चाहे पूर्वी देश हैं, चाहे पश्चिमी देश हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी समाज है, हमें उसमें असमानताएँ देखने को मिलती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। इसलिए यह कहना कि सभी जगह पर पूर्ण समानता लागू करनी चाहिए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमें देखते हैं कि महिलाओं को, वृद्धों को, विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। वो जो प्राकृतिक असमान, प्रकृति ने उनके असमान बनाया है, उनको समान लाने के लिए हमें उन असमान, उन विशेष अधिकारों का प्रयोग, अलग व्यवस्था का प्रयोग करना पड़ता है। वो एक प्रकार से हम करते तो उनको समानता लाने के लिए हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में बहुत सारे जो विद्वान हैं उसको एक प्रकार से प्राकृतिक असमानता मानते हैं, जो कि हमें मतलब पूर्ण समानता लागू करने में एक बाधा का काम करती है। इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पूरे समाज में समानता को लागू करना संभव नहीं है पूरी तरह से। हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करते हैं, पहला है भविष्य में आने वाली समस्याओं के एक समय हम एक दृढ़ निर्णय लेने वाला नागरिक बनने के लिए। हम अगर राजनीतिक सिद्धांत का हमने अध्ययन किया है तो भविष्य में जब भी हमारे सामने जो समस्या आएंगी उनका
खिलाफ उनके लिए हमें जो दृढ़ निर्णय लेने पड़ेंगे, हम उसके लिए एक तैयार नागरिक होंगे। अधिकार संपन्न और जागरूक नागरिक बनने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना पड़ता है। समाज के पूर्व आग्रह को समाप्त करने, एकता कायम करने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना पड़ता है। वाद विवाद, तर्क वितर्क, लाभ हानि आकलन, इन सभी के में निर्णय लेने की जो कला है उसको सीखने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना पड़ता है। शासन व्यवस्था की जानकारी लेके भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना पड़ता है। लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान होता है कि लोकतंत्र में मनुष्य के पास क्या क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। अधिकार और कर्तव्य को समझने के लिए, अधिकार तो मतलब मिलते ही हैं लोकतंत्र में, उनके साथ साथ प्रत्येक अधिकार के साथ हमें कर्तव्य भी मिलता है, क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर व्यक्ति अपने अधिकारों को पाता है और कर्तव्य को पूरा नहीं करता तो वो किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करेगा। और अंत में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना पड़ता है। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य और सरकार है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। मतलब गणित के विपरीत जहाँ त्रिभुज या वर्ग की निश्चित परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, अजीति और न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध मनुष्य के व्यवहार के साथ है, इसलिए इसमें जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं वो भौतिक विज्ञान के परिणामों की तरह नहीं हो सकते। भौतिक विज्ञान के जो परिणाम हैं उनका संबंध किसी वस्तु के साथ होता है, किसी तथ्य के साथ होता है, वो जो कि निरंतर समान रहते हैं। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत का संबंध मनुष्य के व्यवहार के साथ है और मनुष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार हमेशा निरंतर रूप से बदलता रहता है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत में हमें जो भविष्यवाणी करना है मुश्किल होती है, और राजनीतिक सिद्धांत का संबंध दूसरे विज्ञानों की अपेक्षा अलग रहता है। राजनीतिक सिद्धांत का जो मुख्य विषय है वह राज्य और सरकार है। ये समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है और नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और राजनीतिक घटनाओं को आंकने का प्रशिक्षण देता है। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी नागरिकों के लिए लाभदायक होती है। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी होता है। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा राजनीतिक शिक्षा का प्रसार होता है। इन सभी कारणों के कारण राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन की आवश्यकता पड़ी और यही इनका महत्व है। तो आज का यह वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।